हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्चना है और आज मैं डिफरेंट तरह की नारियल की मावा बर्फी बनाने जा रही हूँ। देख सकते हैं कि कितना सुंदर नारियल की बर्फी बनी है। इसको बहुत ही आसानी से, इसके लिए न मावा चाहिए और ना ही दूध चाहिए, केवल हम इसे दूध का पाउडर और नारियल के बुरादा से बनाकर तैयार करेंगे। इतना मज़ेदार, इतना स्वादिष्ट नारियल की बर्फी आप अपने हाथों से अपने घर में केवल 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता है वो नोट कर लें और पूरी वीडियो पर फोकस बनाए रखें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो स्वागत है आपका मेरे किचन में। वेलकम टू माय किचन एंड लेट अस प्रिपेयर मावा बर्फी। नारियल मावा बर्फी बनाने के लिए मैंने 1/4 कप नारियल का बूरा ले लिया है, मार्केट से मैंने खरीद लिया है। इसके साथ ही 1 कप मैंने चीनी का पाउडर लिया है और 1/4 कप दूध का पाउडर ले लिया है। 1 कप मलाई युक्त दूध लिया है और थोड़ा सा मैंने पिस्ता बादाम गार्निशिंग के लिए लिया है और 5 से 6 छोटी इलायची को कूटकर इसका पाउडर तैयार करेंगे। इसके साथ ही हमें एक ट्रे चाहिए जिसमें हम बर्फी को जमाएंगे। ट्रे में घी लगाकर तैयार कर लिया है, क्योंकि जब हम बर्फी तैयार करेंगे तो उस टाइम हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम कोई और काम कर सकें। बर्फी बनाते समय आप नाप का पूरा ध्यान रखें। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और एक कढ़ाई चढ़ा देंगे। कोई सा भी बर्तन आप ले सकते हैं, लेकिन नॉनस्टिक बर्तन ना ले तो बेहतर रहेगा। नॉनस्टिक बर्तन में बर्फी का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। सबसे पहले मिल्क पाउडर और मिल्क दोनों को घोलकर तैयार करेंगे। गुनगुना दूध मैंने लिया हुआ है तो एक ही साथ मैंने डाल दिया और यह बहुत ही आसानी से घुल जाएगा। इसमें एक भी गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरह से इसे मिला देंगे। अब हम घी कढ़ाई में डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि घी पिघल चुका है तो हम गैस ऑफ करेंगे। तैयार किया हुआ मिल्क घोल इसमें डाल देंगे। गैस मैंने अभी ऑफ किया हुआ है। घी के साथ मिल्क का घोल डाल दिया है और अच्छी तरह से मिला दिया है। अगर बर्फी को हल्का सा पीला चाहते हैं तो इसमें हम डालेंगे 1 पिंच पीला कलर। दूध हल्का गर्म है और इसी के साथ हम इसको मिला देंगे। अब मैंने गैस ऑन कर दिया है, लगातार इसे चलाते रहेंगे। इसको हमें गाढ़ा करना है तो इसी तरह से चलाते हुए लगभग 1 मिनट पकाएंगे। उबलते हुए दूध में इलायची पाउडर भी डाल देंगे ताकि खोया के साथ इलायची भी पक जाए और इसका अच्छी खुशबू आ जाए, इसका अच्छा स्वाद आ जाए। दूध उबलते हुए खोया बन चुका है, आप देख सकते हैं। इसी तरह की कंसिस्टेंसी हम रखेंगे और इसके बाद गर्म में ही नारियल का बूरा हमें इसमें डाल देना है। अच्छी तरह मिलाने के बाद अब हम इसमें चीनी का पाउडर डाल देंगे। गैस का हीट बिल्कुल लो कर देंगे। थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालेंगे। इस मिश्रण को हमें गीला करना है। दो चम्मच दूध डालने पर यह पूरी तरह से गीला हो चुका है, तो अब हम इसमें दूध नहीं डालेंगे, हमें केवल इसे गीला करना था। तो अब हम अच्छी तरह से इसे मिला देते हैं और उसके बाद ट्रे में जमा देंगे। मिश्रण को ट्रे में निकालेंगे, एक साइड ही रखेंगे, इसे पूरे ट्रे में नहीं आ पाएगा, तो हम आधे ट्रे में इसे रखेंगे और उसी में फैला देंगे। अब
अब इसके ऊपर पिस्ता और बादाम छिड़क देंगे और फिर से हम इसे दबाएंगे, हल्का सा और फैला देंगे ताकि इसकी मोटाई थोड़ा कम हो जाए। बिल्कुल हलवाई जैसी मोटाई रखेंगे और हलवाई जैसी ही बर्फी बनेगी। उसका स्वाद, इसका फ्लेवर, इसका कलर और टेक्सचर पूरी तरह से हलवाई जैसे होगा। अब इस ट्रे को हम ठंडा होने के लिए आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे। बाहर भी रख सकते हैं, बाहर जमने में थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि आधे घंटे में जमकर तैयार हो जाए। साथ ही इसे मैं काट कर आपको दिखा दूंगी। बर्फी जमकर तैयार हो चुकी है, अब हम इसे काट लेंगे। एक एक पीस आसानी से इसे निकाल लेंगे और एक प्लेट में निकाल दी जाएंगे। नारियल की मावा बर्फी बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह से इस जन्माष्टमी पर ये वाली नारियल की बर्फी बनाइए। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और लेटेस्ट रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।